प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा महाकाल मंडल सुधीर के द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। हम आपको बता दें कि बाबा महाकाल मंडल के द्वारा पूर्व में 14 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकलती आ रही है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत राजघाट बांध स्थित बेतवा नदी से 500 से 1000 कांवड़ियों द्वारा अपनी अपनी कांवड़ में जल भरकर 14 किलोमीटर दूर चंदेरी नगर में मुख्य मार्गों से होते हुए दिल्ली दरवाजे चौराहे के रास्ते हजारिया महादेव मंदिर पहुंची, जहां सभी कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ से भगवान भोलेनाथ का पूरे मंत्रोच्चार से जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा निकलने वाले रास्तों में जगह जगह ग्रामवासियों ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा, फलाहार, पानी, लस्सी पिलाकर स्वागत किया। कांवड़ यात्रा के आगे चल रहे डीजे पर भोले की धुन की गुंज सुनकर झूम उठे और भोले के दीवाने तथा सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। महाकाल मंडल द्वारा विगत 14 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति और सनातन जागृति के लिए है। यह यात्रा माँ राजघाट से माँ बेतवा से जल भरकर प्रमुख मार्गों से होते हुए चंदेरी के शहर से बाबा हजारेश्वर मंदिर चौखट्टा मंदिर के सामने बाबा भोलेनाथ का जो 1000 शिवलिंग है वहाँ बाबा महादेव का अभिषेक किया जाता है। लगभग कितने वर्षों से निकाली जा रही है? पिछले 14 वर्षों से यह यात्रा निकाली जा रही है।